नीमच सिंगोली कोटा रेलवे लाइन को 6 साल पहले मिली मंजूरी के बाद भी क्षेत्रवासी सौगात से महरूम है, जबकि इस रेल लाइन के शुरू होने से मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के करीब 4 जिलों तथा 6 तहसीलों के लगभग 325 गांव के हजारों लोगों को काफी अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन कार्यकाल में यह मंजूरी मिली थी, लेकिन भाजपा सांसद के आने के बाद क्षेत्र की सभी सौगात वे अपने क्षेत्र में ले गए और दोनों ही पार्टियां सिर्फ राजनीति करती देखी गई। कोई बड़ी सौगात ये लोग इस क्षेत्र को नहीं दे पाए। वहीं कांग्रेस नेताओं से जब इस रेलवे लाइन को लेकर बात करनी चाहिए तो वे एक दूसरे की पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। देखिए दीपक जी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने कभी भी नई घोषणाएं नहीं करी है। नीमच सिंगोली रेलवे लाइन की मांग बहुत पुरानी है और इसके लिए जब मीनाक्षी नटराजन यहाँ की सांसद थी तब उन्होंने सर्वे करवाया था और सर्वे हुआ भी था। दिल्ली में उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी और हमारे यहाँ की सांसद जो है उन्होंने ये बात रखी थी, उसमें कोई आवंटन नहीं दिया है। हम लोग नीमच से अगर कोटा जाते हैं तो मात्र रेलवे को बहुत फ़ायदा है। 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है, अगर हम चित्तौड़ होके जाते हैं तो 290 किलोमीटर है। उसमें रेल की बचत भी होगी, रेल के जो खर्चे हैं चाहे वो ईंधन हो या इलेक्ट्रिक हो उसकी भी बचत होगी और मात्र नीमच से 1.5 घंटे 2 घंटे में हम लोग कोटा पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, एक दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर जो माननीय कमलनाथ जी उस समय शहरी विकास मंत्रालय में थे, ये दिल्ली बॉम्बे के लिए हमारे नीमच नयागांव को जोड़ के जो लिया था उसको भी बीजेपी की सरकार में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने उसको बदल के उसको कोटा से रतलाम की ओर ले गए, जो कि नीमच के साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। नीमच के लोगों के साथ कुठाराघात हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम लोग उनसे रेल मंत्री को पत्र लिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि नीमच कोटा जुड़ने से, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे वाला रूट बड़ा व्यस्त हो गया है, तो अगर कोटा नीमच से जाते हैं तो बहुत सी ट्रेनें नीमच होके कोटा और बॉम्बे दिल्ली जा सकती। उनका ये सोच है कि जो कांग्रेस ने नीतियाँ बनाई है या जो कांग्रेस ने जो किसी भी ज्ञापन के माध्यम से लाइनों को आगे बढ़ाया या कोई मंजूरी दी है तो उसको वो लोग पक्षपात करते हैं और निष्पक्ष रूप से काम नहीं करते हैं। निश्चित मानिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ की पूरी जो जानकारी पिछले दिनों रेल बजट में इस जिले को कुछ नहीं दिया है उसकी जानकारी हम देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि रेल मंत्री को पत्र लिखें। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।